रहता है, तो ये एक हेडेक रहता है कि भैया विंटर आ रही है, स्नो होने वाली है, तो चलो भाई पुराने टायर्स निकालो, स्नो वाले डालो। वेलकम बैक टू श्री शकांक्षा व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज है सैटरडे एंड अभी ऑलरेडी 3:30 बज चुके हैं। वैसे तो हमने आज थोड़ा लेट उठे ना। हाँ, आज हम लोगों को एक्चुअली हमने सोचा था कि आज हमें बहुत सारा काम है एंड वो काम है, इस चक्कर में हम लोग काम कर ही नहीं पाए। बट अभी फाइनली 3:30 बज रहे हैं एंड हमने सोचा कि अब वो फाइनली काम कर ही देते हैं। तो बेसिकली विंटर्स आ गए हैं एंड हमें बहुत कुछ प्रिपरेशन करनी थी विंटर की, बट ऑलरेडी 2 स्नोफॉल निकल गए एंड हम वो सारी प्रिपरेशंस नहीं कर पाए। तो आज हमें थोड़ा टाइम मिला, हमने सोचा कि वो सब तैयारियाँ करते हैं एंड आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या प्रिपरेशंस करनी होती है यहाँ पे विंटर्स के लिए। तो तो हम हर बार प्लान बनाते थे कि ये वीकेंड करेंगे, फिर अगले वीकेंड करेंगे, ऐसे करते 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 फिर सोचा कि चलो इस सैटरडे कर लेते हैं। तो वापस से जिस दिन हम प्लान बनाते हैं कुछ काम करना, उस दिन क्या होता है कि हम मस्त सोते हैं आराम से, एक दो सीरीज़ देखते हैं उठने के बाद। फिर रियलाइज़ होता है शाम को कि भाई अभी 1 घंटे ही बाकी उजाले के, क्योंकि थोड़े बाहर के काम थे तो इसके पहले अंधेरा हो जाए तो वो करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो साला ठंड भी है। तो अब हम जा रहे हैं अपने बैकयार्ड में एंड वहाँ पे हमारे जो भी प्लांट्स हमने समर में लगाए थे वो सारे मर चुके हैं स्नो की वजह से। तो हमें पूरा क्लीन अप करना है, तो उसके लिए मैंने अपना शूज़ जैकेट वगैरह पहन लिया है। तो अभी बैकयार्ड में जाते हैं। तो अब आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं हमारे बैकयार्ड का क्या हाल हो गया है। और आप हमारी पुरानी भी वीडियो देखना जिसमें हमने पूरा बैकयार्ड में सारे प्लांट्स लगाए हैं समर के टाइम की, और अब ऐसा हो गया है ये सारे प्लांट्स मर चुके हैं क्योंकि 2 बार स्नोफॉल ऑलरेडी हो चुकी है इस सीज़न की। तो अब हमें ये सारा कुछ क्लीन अप करना पड़ेगा। एंड उस साइड आप देख सकते हैं अभी भी बहुत सारी स्नो दिख रही है, ये जो गोल्फ कोर्स है। एंड अभी तो कोई लोग खेलने नहीं आते हैं क्योंकि सब कुछ पूरा ग्राउंड कवर्ड है, बट या आज हमें ये पूरा क्लीन अप करना पड़ेगा इसके पहले कि ये ज़्यादा पूरा, क्योंकि ये जो है ये आप जो देख रहे हैं ये इस ट्री से गिरते हैं, तो ये पूरा साफ करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमारा बैकयार्ड अब थोड़ा साफ दिख रहा है। हमने जो भी प्लांट्स मर चुके थे पूरी तरीके से उनको हमने कट करके एंड जितने भी पॉट्स थे वो बाहर स्टैक कर दिए हमारे इस डोर के बाहर इस साइड पे। तो ये हमने पॉट्स यहाँ पे रखे हैं एंड थोड़े यहाँ पे रखे हैं। एंड उसके अलावा हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि मुझे ऐसी होप है कि नेक्स्ट समर में वो वापस ग्रो करेंगे, तो वो मैंने यहीं पर रखे हुए हैं। तो ये ऑरेंज का ट्री है, तो ये मुझे लगता है कि वापस ग्रो करेगा क्योंकि इसका जो स्टेम और रूट्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड उसके अलावा ये बेल पेपर का प्लांट है एंड ये भी 2 प्लांट्स हैं जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट समर में होपफुली ये ग्रो करेंगे, तो मैंने ये सारे यहीं पे रखे हैं। एंड अब हाथ भी फ्रीज़ हो रहे हैं, तो 9 डिग्री टेम्परेचर है बट पता नहीं क्यों इतने हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं। तो अब हम अंदर चलते हैं। तो अभी नेक्स्ट ज़रूरी काम क्या तैयारी हम करते हैं कि हम सॉल्ट ला के रखते हैं घर पे। मतलब बताता हूँ आपको, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, तो इसके अंदर ये सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट है, बड़े क्रिस्टल से सॉल्ट के, तो इनका क्या काम है। तो जब स्नो होती है तो क्या होता है कि ये जितने भी कंक्रीट का एरिया है ये पूरा
तो वैसे तो क्लीन होता है, बट कभी कभी मान लीजिए रात को स्नो हुई और सुबह तक क्लीन नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है, एक दो दिन तक सोसाइटी ने क्लीन नहीं किया, तो इसमें आइस के लेयर जम जाते हैं। तो हम लोग सॉल्ट डाल देते हैं, तो सॉल्ट क्या करता है कि वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और कम करता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली वाटर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे -1 वगैरह पे आइस बनना स्टार्ट हो जाएगा, बट अगर मैंने सॉल्ट डाल दिया है तो ये -10 -15 पर आइस बनेगा। तो इससे थोड़ी हेल्प मिल जाती है, आइस नहीं बनता है, क्लीनिंग भी आसान से हो जाती है, क्योंकि अगर आइस बन गया तो फिर सब गिरेंगे या धड़ाधड़ सब गिरेंगे। तो ये बहुत काम का होता है, तो हर स्नो के पहले हम कोशिश करते हैं हम थोड़ा स्प्रिंकल कर दें, और स्नो के बाद भी कर सकते हैं। और ये सॉल्ट मोस्ट ऑफ द जगह सोडियम क्लोराइड होती है, कुछ जगह लोग रॉक सॉल्ट भी यूज़ करते हैं, बट उसका क्या प्रॉब्लम है कि वो कॉन्क्रीट ख़राब कर देता है और पेट्स को पसंद नहीं होता रॉक सॉल्ट। तो ये एक काम है। एंड अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो है कार की तरफ, तो चलिए वो बताता हूँ आपको। हाँ, तो अभी बहुत ज़रूरी चीज़ कार के लिए क्या है कि हमें दो चीज़ करनी पड़ती कार के लिए। पहला, ये विंडशील्ड वाटर चेंज करना। तो क्या है कि जो हमारे विंडशील्ड का पानी होता है वो अगर नॉर्मल पानी वगैरह रहा तो आइस बन जाएगा और उससे सब पाइप्स फट जाएंगी कार की, जो भी विंडशील्ड वाली पाइप्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब विंटर आता है तो हम ऐसा कुछ डालते हैं लिक्विड नॉर्मल पानी की जगह, और ये -20 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इतना लो भी हुआ है तो ये फ्रीज नहीं होगा, तो इसका ये फ़ायदा है। तो अभी मैं ये डाल देता हूँ, खुल जा सिम। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ दूसरी है जो कार पे हमें ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे, स्पेशली जब स्नोफॉल होती है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है स्नो टायर्स और नॉर्मल टायर्स का, मतलब समर्स में दूसरे टायर्स होते हैं, स्नो में दूसरे टायर्स होते हैं। बट मैंने क्या किया अपनी कार में, मैंने ऑल सीज़न टायर लगाया है, तो मतलब ये दोनों सीज़न पर काम कर जाता है। बट हाँ, अगर हार्श स्नो होगी, आइस होगी, तो फिर ये गाड़ी स्किड खाएगी, कोई भी गाड़ी। तो लोग क्या करते हैं कि सबके पास ना दो सेट ऑफ टायर्स होते हैं, एक तो होते हैं स्नो वाले जो विंटर्स में लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता है, मतलब टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है, तो स्किड करने के कम चांस होते हैं। तो हैवी स्नो और आइस में बेटर कंट्रोल रहता है। तो घर के बाहर का सब काम निपटा के हम लोग अब घर आ चुके हैं अंदर, एंड अभी इतना अच्छा लग रहा है फाइनली अंदर आके, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी थी एंड हाथ जम रहे थे। तो अभी शाम तो हो ही गई है, तो हमने सोचा है कि ठंड लग रही है तो चाय पी लेते हैं, तो यहाँ पे चाय बन रही है और फिर हम पियेंगे चाय। तो चाय रेडी है, अब हम लोग चाय पियेंगे। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज शिरीश आकांक्षा व्लॉग्स। ये हुई ना बात, जय श्री राम, बाय बाय बाय।